हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए व्हाट्सएप का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे अपने फ्रेंड के व्हाट्सएप चैट को रीड कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर मिलेगा, आप वहीं से उस वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप अपने फ्रेंड के व्हाट्सएप का सारा चैट अपने मोबाइल में रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक कीजिए और ये जो साथ में बेल का आइकन है इसे भी इनेबल कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड के मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो ऊपर तीन डॉट्स है इन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स, इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो अकाउंट का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो फिफ्थ ऑप्शन है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट रिपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। तो ये 5 जून को ये मेरा डाटा यहाँ पर अवेलेबल होगा और मैं उसे रीड कर सकता हूँ। तो मैं आपको अपने दूसरे व्हाट्सएप में दिखाता हूँ कि मैंने उससे ऑलरेडी अप्लाई किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो आप उस चैट को रीड कर सकते हो। तो मैं आपको अपना दूसरा व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर तीन डॉट्स पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उस चैट को रीड कर सकते हो। ये 3 दिन बाद ये डाटा अवेलेबल होता है अगर आप अपने फ्रेंड का डाटा अपने मोबाइल में रीड करना चाहते हो, कोई भी मैसेज या वीडियो हो। तो मैं यहाँ पर सेटिंग के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो पे क्लिक कर लेता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट। 3 दिन के बाद अगर आप अपने फ्रेंड के मोबाइल में देखोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड रिपोर्ट, तो आपको इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना होगा। तो मैं भी इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये भी डाउनलोड होगा। तो हम वेट कर लेते हैं तब तक। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अब आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप किस तरह से अपने फ़ोन में ये भेजना चाहते हो। आप व्हाट्सएप भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको जीमेल में सेंड करके दिखाता हूँ कि कैसे आप फिर अपने जीमेल में ये रीड कर सकते हो वो सारी चैट जो भी आपके फ्रेंड ने किसी के साथ की है। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा जिस ईमेल एड्रेस पे आप ये इंफॉर्मेशन चाहते हो। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो सेंड का बटन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो ये सेंड हो जाएगा। सेंड होने के बाद आपको अपना मोबाइल में जीमेल ओपन करना होगा। जीमेल ओपन करने के बाद आपको वो सारा डाटा मिलेगा जो भी आपके फ्रेंड ने भेजा होगा किसी को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching.